What's up guys, I hope you are doing well. I am Veer, welcome to Stella और family. तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को enjoy कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार कोटेशन के साथ में. यहाँ पर दो चीज को कंपेयर किया गया है, एक साइड में बोला गया लाइफ और दूसरी साइड में बोला गया टाइम. लाइफ और टाइम अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो ये दोनों आप एक दूसरे के साथ में आप लोगों को कनेक्ट नजर आएंगे. लाइफ ये बोलती है कि टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, और टाइम ये बोलता है कि अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ. यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ में अगर चलेंगे, अगर आप लोग अच्छी तरीके से टाइम को यूटिलाइज करेंगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप लोग की टाइम, आप लोग की जो लाइफ है वो अपने आप अच्छी बन जाएगी. अब ये आप लोग को डिसाइड करना है कि किस तरीके से आप लोग इन दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं और बैलेंस बना पाते हैं. क्योंकि जब आप लोग इफेक्टिवली एक अच्छे तरीके से फुल मोटिवेशन के साथ में अपनी लाइफ में अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे तो वो लाइफ अच्छी होनी ही होनी है. तो देखते हैं कि किस तरीके से आप लोग इसको यूटिलाइज करते हैं. और आज है मंडे, मंडे को सही तरीके से पूरे जोश के साथ में अपने दिन की स्टार्ट किया करो, ताकि पूरे वीक को आप लोग शानदार तरीके से इंजॉय कर सको. क्योंकि देखिए यही एक तरीका होता है अपने आप को मोटिवेट रखने का, कि हर एक दिन को एक नई अपॉर्चुनिटी की तरीके से आप लोगों को लेना है, तभी आप लोग अपने आप को एनर्जेटिक रख पाओगे. आज मैंने वीडियो के एंड में क्विज नहीं डाला है, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये 2019 के प्रीलिम्स से पूछे गए हैं. तो चार क्वेश्चन है टोटल, तो इनका आंसर आप लोगों को देना है, फिर वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा. ये प्रीलिम्स में अब की बार में ही पूछे गए हैं, इससे ये पता चलेगा कि देखिए अपने आपको चेक करते रहिए कि कैसा आप लोगों की तैयारी चल रही है. बात की जा रही है यहाँ पर चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में, ये सेलेक्ट किसके द्वारा किए जाते हैं, ये इसके बारे में आप लोगों को बताना है. ए में बोला गया यहाँ पर बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा, बी में बोला गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, सी में बोला गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, और डी में बोला गया है मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक के द्वारा. इनके जिस बैंक के बारे में बात की जा रही है उसी का जो मैनेजमेंट है. ये वाला क्वेश्चन का आंसर उन लोगों को नहीं देना है जिन्होंने मॉर्निंग की क्वेश्चन वाली वीडियो देखी है, क्योंकि उसमें मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूं. ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन है आप लोग आंसर दीजिएगा, पर ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं देना है जिस किसी ने वो वीडियो देख ली है. आगे बात करते हैं यहां पर कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात की जा रही है. हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री में नहीं, बेसिकली एक तरीके से कंट्री के अंदर में सोशल कैपिटल किसको बोलते हैं. यानी कि अगर आप लोगों से कोई पूछे कि सोशल कैपिटल है क्या, तो वो क्या होता है, तो पहले बोला गया कि एक प्रपोर्शन होता है लिटरेट, जो कि पढ़े लिखे आदमी की पॉपुलेशन है कंट्री के अंदर में. नेक्स्ट जा रहा है कि जो बिल्डिंग्स होती है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, मशीन होती है, तो उनका जो स्टॉक होता है उसको बोलते हैं. एक पॉपुलेशन जो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है, यानी कि जो कमाते हैं उस पॉपुलेशन की बात की जा रही है. बेसिकली ए लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट और हार्मनी इन द सोसाइटी, तो किसको बोलते हैं सोशल कैपिटल, ये आप लोगों को बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है बेसिकली जो गवर्नर होता है किसी पर्टिकुलर राज्य के अंदर या फिर आउटसाइड, तो उसके बारे में बात की जा रही है. यानी कि जो गवर्नर होता है वो एक तरीके से नींव माना जाता है किसी भी राज्य के अंदर में. तो बोला ये गया कि जो गवर्नर है वो एक एमिनेंट पर्सन होना चाहिए आउटसाइड द स्टेट. जिस स्टेट में उसको बेसिकली गवर्नर बनाया जाना है वो उसके आउटसाइड होना चाहिए, और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में कनेक्ट नहीं होना चाहिए. एक तरीके से बोला गया कि पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए. तो ये जो इस तरीके की बातें बोली गई थी, ये किसके द्वारा यहां पर सजेशन दिया गया था. पहला बोला गया यहां पर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 में. नेक्स्ट देखिए, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो इनके सामने जो डेट लिखी हुई है ना, आप लोगों से एग्जाम में यूपीएससी ने अब की बार तो ये क्वेश्चन पूछा, आप लोगों से आगे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सारे नाम आप लोगों को दे देंगे यहाँ पर और बोल देंगे कि मैच करो इनकी डेट किस टाइम पर थी. और ये पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं. फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की बात की जा रही है 1996 में. राजमन्नार कमेटी की बात की जा रही है 1969 की. सरकारिया कमीशन 1983 की. नेशनल कमीशन टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये यहाँ पर बात की जा रही है 2000 की. तो कौन सा सही है जिसके द्वारा यहां पर ये कुछ इस तरीके का सजेशन दिया गया था, ताकि जो राज्य में जो पॉलिटिक्स है उसको ढंग से मेंटेन रखा जा सके. सर्विस एरिया अप्रोच इंप्लीमेंट की जाती है अंडर द प्रीव्यू, किसके अंडर प्रीव्यू में इसको इंप्लीमेंट किया जाता है सर्विस एरिया अप्रोच को. इंटीग्रेटेड रूरल प्रोग्राम के, लीड बैंक जो ये है एक तरीके से लीड बैंक स्कीम है. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की बात की जा रही है. नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन की बात की जा रही है. तो सही आंसर क्या है, तो ये चार क्वेश्चन है, इनके आंसर आप लोगों को करने हैं. वीडियो के एंड में आप लोगों को यहां पर इनके आंसर बता दूंगा. आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से, कोशिश ये करनी आप लोगों को, अब अच्छे से एग्जाम के ओरिएंटेशन से अपनी पढ़ाई को कीजिए. अब ज्यादा टाइम वेस्ट आप लोगों को नहीं करना है. ठीक है, आज जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये हमारा पड़ोसी और प्यारा सा नन्ना सा देश जिसको बोलते हैं हम लोग पाकिस्तान. ठीक है, जो हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, उन्हें बोलते हैं जिगर का टुकड़ा है हमारा. भैया दिल तोड़कर निकाला है तो जिगर का टुकड़ा तो हो गई. तो इसके बारे में जाकर देखिएगा, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी नया मैप प्रस्तुत किया गया हमारी कंट्री में, तो पाकिस्तान को मिर्च लगी है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे आगे. देखते हैं कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं. एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, अक्टूबर मंथ की सारी पीडीएफ आप लोग की टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराई
जा चुके हैं, तो वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप लोग उनको एंजॉय कर लीजिए, वहां पर आप लोगों की जो हिंदू की है और इसी के साथ में आप लोगों की जो ये नैनो मैगजीन की है और क्वेश्चन की, तो सारी मर्ज पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई है। और अगर अब तक की जनवरी से लेके अक्टूबर तक की अगर आप लोगों को सर्च करनी है तो वो भी सर्च कर लीजिएगा, वो सारी ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा चुका हूं, ठीक है। तो वो सारी भी आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आसानी से आप लोगों को भी आसानी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पीडीएफ को डाउनलोड करने में। लिंक वीडियो के नीचे उसका मिल जाएगा, या फिर @studylovervir के नाम से सर्च कर लीजिएगा, या studylovervir लिख दीजिएगा टेलीग्राम पर जाकर, तो भी आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, ठीक है। आइए अब बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल एक एक कर देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या बात की जा रही है। पेगासस के बारे में बात की जा रही है फिर से, जो कि व्हाट्सएप में अभी रिसेंटली प्रॉब्लम देखने को मिली, तो डिटेल में आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। नागा पीस अकॉर्ड के बारे में बात की जा रही है, देखेंगे क्या क्या दिक्कत है और क्या क्या कंडीशन है, तो इसके बारे में भी हम लोग नजर डालेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर अभी बात की जा रही है, अभी आप लोगों ने देखा कहाँ पर दो राज्य के अंदर इलेक्शन हुए, हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट इलेक्शन अनाउंस कर दिया गया अभी झारखंड के अंदर, तो बोला जा रहा है एक तरीके से बीजेपी के लिए यहाँ पर ये अभी फिर से एक टेस्ट होगा, देखते हैं क्या कंडीशन बनती है, क्योंकि सेंटर में तो एक थम्सअप मेजोरिटी के साथ में आए थे, पर लेकिन आगे क्या कंडीशन बनती है तो उसके बारे में बात की जा रही है। और ये भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड आर्टिकल है, यहाँ पर दलित बहुजन पॉलिटिक्स के बारे में बात की जा रही है, तो दोनों आर्टिकल हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है ये आर्टिकल, हम लोग इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, दिया तो गया है तेलंगाना के बारे में, पर लेकिन हम लोग इसको कंट्री के साथ में कंपेयर करके डिस्कस करेंगे, किसी और राज्य में या फिर नेशनल लेवल पर अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड, तो उसके बारे में क्या क्या बात है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का, तो कितनी हद तक ये सही है। मंडे को ये आर्टिकल आता है, जो भी एडिटर को लेटर लिखते हैं ये उनको रिप्लाई करते हैं, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर जो आर्टिकल है इसके बारे में दो बातें आप लोग याद रखते हैं बेसिकली, एक तो बात की जा रही है आप लोगों ने कई बार सुना होगा फेक एनकाउंटर के बारे में, ठीक है, फेक एनकाउंटर या फिर आप लोग इसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का मतलब ये होता है कि जो जुडिशरी होती है हमारी कंट्री में, जो जस्टिस सिस्टम है, यानी कि कोर्ट कचहरी में जाए बने ही जो नहीं कहते हैं कि भारी बार इलाज कर देना इंसान का, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कई बार आप लोगों का एनकाउंटर होते हुए नजर आते हैं जिनको फेक एनकाउंटर का भी नाम दिया जाता है, और ये बड़े ही कॉमन है केरला के अंदर, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तो ये ऐसे कॉमन आज के डेट में हो चुके हैं जो कि लार्ज स्केल पर देखने को मिल रहे हैं, तो इसी को हम लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बोलते हैं, यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा इंडिविजुअल किसी भी तरीके से ये कुछ ऐसा काम करना इलीगल एक तरीके से, मतलब अपने सिस्टम का यूज करके जो कि एक प्रॉपर नहीं होता है, तो उसको आप लोग बोल सकते हैं। एक तो जुडिशियल प्रोसेसिंग के थ्रू होता है कि हाँ किसी इंडिविजुअल पर्सन को मारना है कि हाँ उसको फांसी दे दी, जैसे जुडिशियल ने जैसे निर्भया हत्याकांड की बात आप लोग कर सकते हैं, 2012 में केस आया, अब वहां पर उनको सजा मिल रही है, तो जुडिशियरी के थ्रू गया। अगर क्या होता पुलिस पकड़कर उनको वहीं पर ही ठोक डालती उनको एक तरीके से, जो ये नहीं बोलते हैं जो मूवीज की लैंग्वेज में आप लोग वर्ड बोलते हैं कि ठोक डालो इसको, ठीक है, तो अगर वहीं पर ही उनको एकदम ब्लैंक पॉइंट पर शूट कर देते हैं वहीं पर, तो वो क्या हो जाता है, वो बिना कोर्ट में ले जाए उनकी एक तरीके से हत्या कर दी गई, तो ये एक तरीके से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में देखा जाए तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो होती है वो एक सपोर्टिव चीज नहीं होता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का देखिए लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ बनाना, यानी कि जो भी हमारी कंट्री में नए नए जो नियम बनाए जाते हैं वो हमारी कंट्री में लेजिस्लेटिव बनाती है, फिर होती है एग्जीक्यूटिव, वो उसको इंप्लीमेंट करती है, जुडिशियरी देखती है कि ये काम सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम चल रहा है नहीं चल रहा है, तो ये काम हमारा जुडिशियरी का रहता है। तो अगर यहां पर ये प्रोसीजर के थ्रू काम नहीं हो रहा है तो फिर देखिए कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, और एक तरीके से डिक्टेटरशिप भी यहां पर देखने को आप लोगों को मिल सकती है, ठीक है। तो ये बातें यहां पर इस आर्टिकल में डिस्कस की जा रही है, और फोकस यहां पर केरला के ऊपर रखा गया है, ठीक है। ये यहां पर डेटा पॉइंट है, इसके नजर डालेंगे यहां पर पोल्यूशन के बारे में, तो कई सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये भी वैसे पोल्यूशन के बारे में ही है। बोला जा रहा है राइट टाइम है बैंकॉक घूम के आते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बैंकॉक में है, क्यों, क्योंकि दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा है, जो एक तरीके से खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है, और आप लोगों को पता है कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है दिल्ली के अंदर में, पोल्यूशन इस लेवल का है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अपने घर पर बैठकर ही पढ़ाई करें, अगर दिल्ली में रहते हैं तो घर से बाहर न निकले, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है, और आज से ही ओड इवन भी स्टार्ट यहां पर दिल्ली के अंदर हो गया है, तो बुरी कंडीशन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। यहाँ पर ये आर्टिकल जो है बेसिकली अभी प्राइवेसी के बारे में बात कर रहा है, तो हमारी कंट्री में बोला जा रहा है कि एक बैलेंस हम लोगों को बनाकर चलना पड़ेगा, एक तो यहाँ पर जो बेसिकली प्राइवेसी का राइट है, और दूसरा जो गवर्नमेंट के राइट है कि हाँ किस तरीके से लोगों को प्रोटेक्ट करना है, अगर कोई गलत मंशा रखते हुए कोई किस तरीके से पैनिक लोगों को करता है, या फिर कोई कमिट क्राइम करता है, टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, यानी कि प्राइवेसी और यहाँ पर जो आप लोग स्टेट को जो बेसिकली लोगों को सेव करना है उसके बीच में एक बैलेंस बनाना चाहिए, यही असलियत में आज की डेट की रिक्वायरमेंट है, तो इसको आप लोगों को इसका आंसर देना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 में जो मेंस हुआ अभी उसके बारे में आप लोगों को बताना है। यहां पर बोला गया व्हाट आर द चैलेंजेस
टू अवर कल्चर प्रैक्टिस इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म, यानी कि सेक्युलरिज्म यानी कि धर्म निरपेक्षता के नाम पर हमारी कंट्री में किस तरीके के जो चैलेंजेस आप लोगों को फेस करने को मिल रहे हैं। सेक्युलरिज्म के नाम पर कई सारी बातें देखने को मिलती हैं, तो कई बार जो वर्ड है उसको अलग तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश की जाती है, अलग तरीके से मनमानी करने की कोशिश की जाती है। तो क्या क्या चीजें फेस कर रहे हैं यहाँ पर सेक्युलरिज्म के चलते हमारी जो कल्चर है, तो ये है बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, तो कोशिश कीजिएगा ये अच्छे से आंसर देना। तो ये जीएस फर्स्ट में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था, और ये ऐसे क्वेश्चन आप लोग के बेसिकली जीएस सेकंड में आप लोगों का क्वेश्चन बन जाता है, जब प्राइवेसी और जब यहां पर आप लोगों के फंडामेंटल राइट की भी बात आती है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो क्या है आखिर न्यूज, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। अभी क्या हुआ, बेसिकली हमारी कंट्री में कई सारी जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, जैसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं या फिर लॉयर हैं या और भी जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, उनका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो हैक किया गया, और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक तरीके से वहां पर उनकी इन्फॉर्मेशन को चेक करने की कोशिश की गई। और ये किसके थ्रू चेक करने की कोशिश की गई, तो ये की गई यहाँ पर पेगासस स्पाईवेयर की हेल्प से। स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर एक तरह का अनवांटेड सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर या फिर मोबाइल के अंदर अगर एंट्री कर जाता है तो आप लोग की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है और इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो पेगासस स्पाईवेयर यूज किया गया है, ये यूज किया गया यहां पर ये व्हाट्सएप की इंफॉर्मेशन को यहां पर बेसिकली निकालने के लिए। ये पेगासस स्पाईवेयर किसके द्वारा बनाया गया है, ये इजराइल की कंपनी है जिसको बोलते हैं एनएसओ ग्रुप के द्वारा यहां पर ये तैयार किया गया, जो कि बेस है तल अवीव इजराइल के अंदर। यहां पर एनएसओ ग्रुप है जिसके द्वारा यहां पर ये बनाया गया, और ये एक तरीके से सर्विलेंस करने की बात करते हैं। ये बोलते हैं अगर कहीं पर टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है या फिर कोई वर्ल्ड लेवल पर कोई क्राइम हो रहा है तो आप लोग उसको टैकल करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। इसीलिए ये दो इंसानों को ये चीजें भेजते हैं, एक तो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती हैं यानी कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, या फिर कोई कंट्री की गवर्नमेंट अगर चाहती है तो बेसिकली घुमा फिराकर कहने के लिए दो हैं, पर लेकिन गवर्नमेंट को ही ये भेजती हैं, तो ये बेसिकली प्राइवेट को नहीं बेचती हैं। इनके द्वारा ये क्लेम किया जाता है, और आज तक इन्होंने इसको क्लेम को कभी भी इन्होंने इसको गलत तरीके से नहीं किया, यानी कि ये इनका यही फंड है कि गवर्नमेंट को ही बेचेंगे। पर लेकिन अगर अब हमारी कंट्री में ये एक्टिविटी हो रही है कि हमारी कंट्री के जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं, तो ये अगर इनका अकाउंट हैक किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि किसी बाहर की कोई कंट्रीज को खरीदेगी और हमारी कंट्री की अकाउंट हैक करेगी। ये कोई ना कोई हरकत कौन कर सकता है, ये हमारी ही कंट्री में कर सकता है। अब हमारी कंट्री में किसके ऊपर सक जाएगा, अब कोई प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए तो क्लेम किया गया इसके द्वारा कि ये प्राइवेट इंडिविजुअल को ये नहीं देते हैं, ठीक है। तो सीधा-सीधा सक जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर, क्यों, क्योंकि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो ये लॉयर है जिनके अकाउंट हैक किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के नाक में नकेल कर रखते हैं। तो इसलिए यहां पर बोला जा रहा है गवर्नमेंट के ऊपर सक जा रहा है, और जितना इसकी कॉस्ट होती है मिलियंस में इस स्पाईवेयर की, एक नॉर्मल कॉमन इंसान वो खरीद भी नहीं पाएगा इसको। तो इसलिए यहां पर एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पूरा सक यहां पर जा रहा है घुमा फिराकर, वो गवर्नमेंट के ऊपर जा रहा है, पर गवर्नमेंट ने सीधे-सीधे नकार दिया गया कि ऐसा कुछ हम लोगों के द्वारा नहीं किया गया। तो अब देखना यह है कि क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो ये तो हो गया आप लोगों के सामने बेसिक जो यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है। अब आर्टिकल के अंदर घुसते हैं, क्या क्या बातें की जा रही है। आर्टिकल में गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया क्लैरिफिकेशन लेने के लिए कि हाँ किस तरीके से क्या क्या कंडीशन चली आ रही है। कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ही यहां पर ये हरकतें कर रही है। अभी गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप से बोला कि भैया ये क्या चल रहा है, आप लोग बताओ यहां पर। ये व्हाट्सएप से यहां पर उसके द्वारा इन्फॉर्मेशन मांगी गई, लगभग 1400 लोगों का ऑल ओवर वर्ल्ड यहां पर ये सर्विलेंस किया गया, जो कि इजरायली बेस जो एनएसओ ग्रुप है उसके द्वारा यहां पर ये बताया गया कि हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं बेचा है मार्केट में कि ऐसा कुछ हो सके। ये किसी भी कंट्री को जिसको हम लोगों ने बेचा उस कंट्री की गवर्नमेंट ही यहां पर ये सर्विलेंस कर रही है। फेसबुक है आज के में व्हाट्सएप के कंट्रोल में, तो फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक कैलिफोर्निया के जो फेडरल कोर्ट में पहुंच गया, और उसके द्वारा जो यहां पर ये कंपनी है एनएसओ इसके खिलाफ जाकर वहां पर नोटिस दे दिया कि भैया इसको रोको, ये हमारी प्राइवेसी का ब्रीच कर रहा है। तो ये जो पेगासस है यहां पर, ये एक तरीके का कोड आप लोग सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, जो कि अगर ये आप लोग के पास में आ जाता है तो आप लोग किसी की इंसान की इंफॉर्मेशन वहां से चुरा सकते हैं। यानी कि आप लोग मेरे मोबाइल में अगर ये किसी तरीके से पहुंचा देते हैं तो मेरे मोबाइल में क्या चल रहा है, मैं किससे बातें करता हूं, मेरे मोबाइल में क्या क्या इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, आप लोग सारी इंफॉर्मेशन वहां से निकाल सकते हैं। किसी को एसएमएस भी कर सकते हैं, एसएमएस करने के बाद में आप लोग उसको डिलीट कर सकते हैं, किसी को कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के बाद में आप लोग डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं किसी के साथ बात कर रहा हूं बैठ के, किसी मीटिंग में हूं मैं, तो आप लोग उसकी रिकॉर्डिंग वहां पर ऑन कर सकते हैं, वो सुन सकते हैं, आप लोग कॉल लगा सकते हैं अपने आपको ही, बहुत सारी चीजें, और फिर सारे डेटा को आप लोग डिलीट भी कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक इंडिविजुअल के अलावा कोई दूसरा भी उसके फोन को कंप्लीटली ऐसे ही ऑपरेट कर सकता है जैसे वो पर्टिकुलर पर्सन ऑपरेट कर रहा है। यह हरकत की जाती है यहां पर पेगासस के द्वारा। तो समझ सकते हैं आप लोग कितना खतरनाक लेवल की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। सोचिए अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट में ये पहुंच जाए, हमारे प्रेसिडेंट के अकाउंट में पहुंच जाए, आर्मी चीफ के अकाउंट में पहुंच जाए, और उनके अकाउंट को ट्रैक किया जाए किसी के द्वारा, तो क्या हरकत यहां पर की जा सकती है, वो आप लोग खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी का ब्रीच तो है ये हमारी कंट्री की, और साथ ही साथ में
ये लोगों की प्राइवेसी का भी सीधा सीधा ब्रीच यहां पर हो जाता है। तो ये जो डिस्क्लोजर यहां पर है, वरी का रीजन यहां पर, या आखिर ये जासूसी कौन कर रहा है, जर्नलिस्ट की या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की? तो कोई बाहर का इंसान तो करेगा नहीं, और दूसरे इंसान को करना भी क्या है? तो सीधा सीधा शक किसके ऊपर जा रहा है? ये सीधा सीधा शक जा रहा है गवर्नमेंट के ऊपर। और उसका रीजन यहां से निकल के आ रहा है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कोई मनी माइंडेड लोग इसको करेंगे नहीं, क्योंकि वो अपना अलग ही हाथ मारेंगे जहां से उनको पैसा मिल सके। वो क्यों किसी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जो गरीब इंसान है वैसे ही परेशान है, जर्नलिस्ट वैसे ही अपनी दुनिया में बेचारे लगे हुए हैं, उनको क्यों सताएगा? वो तो वहां पर हाथ मारेगा ना जहां पर पैसा लगे उसके हाथ कुछ। इसी के साथ में ये NSO खुद बोल रहा है कि वो गवर्नमेंट को भेजता है या फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को बोलता है। तो यहां पर जो क्लेम किया जा रहा है, तो ओनली गवर्नमेंट एजेंसी ही यहां पर ये निकल के आ रहा है कि ये ऐसी हरकतें कर सकते हैं जिसके द्वारा सिविल राइट एक्टिविस्ट, लॉयर और जर्नलिस्ट को टारगेट किया गया है, जो कि एक काफी खतरनाक सिचुएशन आप लोग बोल सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में केएस पुट्टा स्वामी केस आया 2017 में, और इसके चलते जो प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया गया, कौन से आर्टिकल के थ्रू फंडामेंटल राइट बनाया गया? तो यह है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 हमारे संविधान में जो कि पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट के तहत, यहां पर 12 से 35 के बीच में, तो यह राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट के थ्रू यहां पर डिक्लेअर किया गया। तो अब यहां पर गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट की तरीके से मेंटेन करके रखा जाए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो भीम कोरेगांव वाला 2018 का इंसिडेंट है उसमें जो संलिप्त पाए गए हैं, कई दलित एक्टिविस्ट हैं, जैसे विवेक के बारे में बात की जा रही है, दलित एक्टिविस्ट है, इसी के साथ में जगदीश के बारे में बात की जा रही है, एक लॉयर है। तो ये अलग अलग पर्सनैलिटी जो किसी न किसी तरीके से यहां पर गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए नजर आते थे, तो उनको यहां पर बेसिकली चेक किया जा रहा है, उनकी प्राइवेसी का हनन किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। यहां पर क्लियरली इशू किया गया है, बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा क्लियर किया गया है कि उसका कोई इसमें पार्ट नहीं है। व्हाट्सएप से उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन मांगी गई कि ऐसा क्या किया गया है। व्हाट्सएप ने मई में यहां पर CERTN जो IN है, ये गवर्नमेंट एजेंसी है, इसको यहां पर बोला भी था कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, पर लेकिन एग्जैक्टली पेगासस का नाम यहां पर नहीं लिया गया था। आखिर ये है क्या, इसको बोलते हैं CERT को, ये कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, तो IN हो गया इंडिया। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखते हैं। देखिए प्रीलिम्स में आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, बीच बीच में से आप लोग निकल के आ जाएंगे, क्योंकि अभी ये न्यूज में है पेगासस की वजह से, ये अभी हमारी कंट्री में, ये क्या नाम बोला मैंने अभी, ये है यहां पर इंडिया, यहां पर IN का मतलब हो गया इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, यानी कि कंप्यूटर में अगर कोई किसी तरीके का वायरस आता है, कोई कंडीशन बनती है, तो उसके लिए यहां पर ये उसको चेक करती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे आप लोगों से, स्टेटमेंट दे देंगे कि CERT यहां पर वर्क करती है किसी पर्टिकुलर काम के लिए, मान लीजिए बोल देंगे कोई और काम बोल देंगे, तो फिर बोल देंगे कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, फिर बोल देंगे हमारी कंट्री की होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। तो ऐसा नहीं है, ये हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके अंडर में काम करती है। कोई हाईजैकिंग, कोई हाईजैक होता है, कोई इस तरीके का अगर कोई इशू आता है, तो तब यहां पर यह काम करने के लिए बेसिकली पिक्चर में आती है। हमारी कंट्री में जो इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ये 2004 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो यहाँ पर आज की डेट में ये हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है, और संजय बहल यहाँ पर डायरेक्टर जनरल है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म किया गया था कि ऐसा कुछ चल रहा है, पर पेगासस का नाम यहाँ पर नहीं लिया गया था कि यहाँ पर ये हरकत पेगासस के द्वारा की जा रही है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के पास में राइट है कि वो पूछ सकते हैं कि हाँ व्हाट्सएप से कि भैया क्या चल रहा है। पर लेकिन जब यहाँ पर अगर आप लोग बात करें NSO के बारे में, खुद यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे द्वारा ये किसी को नहीं बेचा जाता, तो सीधा सीधा आप समझ सकते हैं। तो सेफगार्ड काफी जरूरी है। वैसे हमारी कंट्री में आप लोग जानते हैं क्या बात की जाती है, चिल्ला चिल्ला कर बोला जाता है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम तो आप लोगों ने चला दिया, पर लेकिन क्या रियलिटी में आप लोग इस डिजिटल इंडिया को सिक्योर रखने के लिए तैयार हैं? तो डिजिटल इंडिया का बेसिक पर्पज क्या है? यही है कि सब कुछ आप लोग आसानी से ऑनलाइन प्रोवाइड करा दे, आप लोगों के डॉक्यूमेंट ऑनलाइन हो रहा है, खरीदारी ऑनलाइन कर रहे हैं, बैंक अकाउंट आप लोगों के ऑनलाइन है, सारे सोशल मीडिया हैंडल आप लोग ऑनलाइन यूज कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं आप लोगों के ऊपर जो आप लोग डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं? तो इसके बारे में आप लोग यहां पर सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट के बारे में क्या बोला गया, गवर्नमेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है हमारी कंट्री में रविशंकर प्रसाद साहब, उनके द्वारा यहां पर यह बोला गया बेसिकली कि देखिए प्राइवेसी जो है वो ये कंसर्न का इशू है, पर लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोल दिया कि इसको पोलिटिसाइज मत कीजिए, यानी कि इनके द्वारा यह बोला गया कि इस मुद्दे को ज्यादा मत उठाओ। तो अगर कोई इंसान ऐसी बातें बोल रहे तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि आखिर क्यों बोल रहे हैं पोलिटिसाइज मत करो, जब इतनी हो चुकी है, इतनी खतरनाक लेवल की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, और आप लोग बोल रहे हैं कि मुद्दे को दबा दो। तो यहां पर कहीं ना कहीं वो भी मुद्दा आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट खुद ही इस तरीके की स्टेटमेंट दे रही है जिससे उनके ऊपर शक जाने लगता है। फिर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में अगर थोड़ा आप लोग जाने, इसको जो स्टार्ट किया गया था हमारी कंट्री में, कब स्टार्ट किया गया था, तो 2015 में जुलाई के महीने में स्टार्ट किया गया था। तो जो ये स्टार्ट किया गया है,
ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, इसका मोटो क्या है? मोटो है पावर टू इम्पावर। तो खासकर लोगों को डिजिटलाइज एजुकेट करना, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, यानी कि मिनिस्ट्री कौन सी है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल? तो दो मिनिस्ट्री है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये दो मिनिस्ट्री काम करती है यहाँ पर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो बेसिक पर्पज ये है कि कैसे हम लोग अपनी कंट्री को, खासकर जो रूरल इंडिया है, जो डिवाइड करते हैं यहाँ पर एक साइड में हमारी कंट्री में, कि एक साइड में हम लोग बोलते हैं भारत है और दूसरी साइड में इंडिया है। भारत बोलते हैं गांव वाला एरिया, और इंडिया बोलते हैं डिजिटल इंडिया, जो खासकर आप लोग बोलते हैं फोन यूज करते हैं, एप्स यूज करते हैं, अपनी लाइफ को ऑनलाइन यूज करते हैं, ऑनलाइन एंजॉय करते हैं, तो वो इंडिया। तो दोनों के बीच का गैप खत्म करने के लिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिससे प्रीलिम्स से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसके बारे में बोला जा रहा है कि डेटा प्रोटेक्शन और जो प्राइवेसी आज के में हमारी कंट्री में ऐसे है, जैसे नवजात शिशु, यानी कि अभी ये पैदा हुए हमारी कंट्री में, कि ऐसी बात हम लोग कर रहे हैं, अभी 2017 में ही फंडामेंटल राइट बनाया गया। तो देखिए, हम लोगों को इनको और अच्छे से आगे लेकर चलना पड़ेगा। अगर डिजिटली एजुकेटेड सोसाइटी आप लोगों को बनानी है तो समझाना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अगर आप लोग यहां पर व्हाट्सएप के बारे में अगर बात करेंगे, या फिर WhatsApp छोड़िए, जो भी आप लोग के अकाउंट में, जो भी आप लोग के मोबाइल में जो भी एप्स हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को ये करना है कि वो गूगल के द्वारा वेरीफाइड ऐप हो। उसके अलावा आप लोगों को कोई भी ऐप कहीं और से जाकर डाउनलोड नहीं करना है, ये बात लिख लो कहीं पर भी जाकर। क्योंकि देखिए, अगर ऐसा करेंगे तो अपने आप बुलावा दे रहे हैं आप लोग इनको, और ये आप लोग लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और आप लोग सजेशन भी दे सकते हैं जब लोग इसका कंक्लूजन देंगे आंसर का, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले तो ये करना है कि वेरीफाइड जो यहाँ पर बेसिकली किसी ऑथराइज एजेंसी के द्वारा वेरीफाइड अगर कोई डेटा है, वही आप लोगों को डाउनलोड करना है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह है कि आप लोगों का जो मोबाइल फोन होता है, उसके बारे में अवेयरनेस ये फैलानी है कि आप लोगों का मोबाइल फोन जो है, जो कंपनी की साइड से टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है, वो अपडेशन आप लोगों को ऑन रखना है, यानी कि वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे। तो ये भी आप लोग यहां पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। बेसिकली क्या करते हैं, अपडेशन को ऑफ कर देते हैं, ताकि डेटा को कहीं और यूज किया जा सके, डेटा बर्बाद ना हो जाए। ये गलत तरीका है, एक तरीके से आप लोग बुलावा दे रहे हैं अपने मोबाइल में किसी मैलवेयर को आने के लिए। इसी के साथ में किसी भी कॉल का आप लोगों को रिप्लाई नहीं करना है, चाहे वो मोबाइल में आए, व्हाट्सएप पे आए, या कहीं पर भी आप लोग आए। इसके साथ में नेक्स्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है, खासकर जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, उसको कभी भी आप लोग शेयर मत करें, उसको डिजिटल वर्ल्ड में न लेकर आए। क्योंकि जो कुछ भी है, कोई ना कोई आप लोगों को जरूर देख रहे हैं यहाँ पर डिजिटल वर्ल्ड में। अगर कुछ भी आप लोग अपलोड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं किसी के साथ में, ये कोई ना कोई तो आप लोगों को जरूर देख ही रहा है आज की डेट में। क्योंकि ये कहने के लिए इनक्रिप्टेड होते हैं, पर लेकिन आप लोग समझ सकते हैं, पेगासस जैसे कोई भी यूज कर सकता है इस तरीके। हालांकि कॉमन सिटीजन के लिए नहीं करेंगे, पर लेकिन अगर कल को आप लोग एक अच्छी पोस्ट पर जाते हैं, तो ये एक तरीके खतरनाक सिचुएशन बन सकती है, जो कि आप लोग अभी से अवेयरनेस इसके बारे में रख सकते हैं। तो गवर्नमेंट को एक अच्छी प्राइवेसी लेकर आनी चाहिए, और जो केस पुट्टान स्वामी केस आया था 2017 में, उसको ध्यान में रखते हुए, लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में सोचते हुए, फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखते हुए आंसर देना चाहिए किस तरीके से जो एनएसओ सर्विस है वो कौन यूज कर रहा है, और क्या चल रहा है, और किस तरीके से यहां पर जो लोगों के मन में जो शंका आ गई है उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो ये था टोटल आप लोगों के सामने ये कंप्लीट डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ जरूर सीखा होगा यहां से। अब आप लोग क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर लिख रहे हैं, इसी तरीके से आप लोगों को पार्टिसिपेट करते रहना है। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आ गई, मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, जो वीडियो थी लगभग उसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो था 2 घंटे, ये था 2 आवर 39 मिनट, ठीक है ना। तो 2 घंटे 39 मिनट की ये वीडियो थी। तो ये वीडियो थी आप लोगों का टेस्ट था, बेसिकली बनानी तो ये 2 घंटे के लगभग की थी, पर लेकिन ये ज़्यादा हो गई। वैसे पार्ट में मैं इसको बना सकता था, पर लेकिन मैंने सोचा कि कम से कम डिटेल में डिस्कशन आप लोगों का हो जाएगा। तो ये वीडियो जो देखी गई, ये वीडियो लगभग 15,000 से 16,000 लोगों के द्वारा देखी गई, और जिनके द्वारा भी देखी गई उनके द्वारा, मतलब जब मैं कमेंट इसके नीचे पढ़ रहा था, तो ये बोले थे कि सर बीच में टॉयलेट आ गया, किसी का जो मोबाइल है वो डिस्चार्ज हो गया, और पता नहीं कैसी कैसी बातें ये कर रहे थे उस तरीके से, मतलब मुझे काफ़ी हंसी आ रही थी। देखो यार, ये जो बेसिकली है ना, अगर महीने में एक बार आप लोग ऐसी वीडियो को देख लोगे ना, तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, और रिवीजन ही आप लोगों के काम में आने वाला है। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है बड़ी वीडियो बनाने में, तो आप लोगों को देखने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? दिक्कत तो मुझे होनी चाहिए ना, क्योंकि मुझे पता है कितना टाइम लगता है ऐसी चीज़ें अपलोड करने में। मुझे 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं अपलोड करने में, अगर जो बड़ी वीडियो थोड़ी बन जाती है, ठीक है। 1 घंटे की वीडियो जो यही होती है, अगर नॉर्मल से रहता है, अगर मोबाइल से अपलोड करने लगूं तो 6-7 घंटे लग जाते हैं। अगर नेटवर्क आता रहता है ठीक ठाक, तो फिर अपना जो लैंडलाइन है कनेक्शन, तो उससे अपलोड करता हूं। तो आप लोग खुद समझिए यार, ये मैं अब जब मैं बेसिकली मुझे कोताही बरतनी चाहिए कि हाँ यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, आप लोग कोताही बरतने हैं, तो वो चीजें थोड़ी सी फिर मुझे डिमोटिवेट करती हैं। कम से कम आप लोग सपोर्ट करते रहो,
जो वीडियो बनाई जाती है वो आप लोगों के लिए इसलिए बनाई जाती है ताकि आप लोग का एक कंप्लीट स्टडी आप लोगों की चलती रहे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मॉर्निंग में वीडियो आती है, प्रैक्टिस कीजिए अपनी क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। अगर कोई और प्रॉब्लम है, अगर आप लोग कुछ और चेंजेस चाहते हैं तो आप लोग वो बता सकते हैं, मेरे पास में जितना टाइम है मैं उसको इफेक्टिवली आप लोगों के लिए देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आप लोग का अगर रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा तो फिर देखिए वो एक अलग बात हो जाएगी। वो लोग जो वीडियो देख रहे हैं कितना अच्छा लगता है, जो पढ़ भी नहीं रहे वो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, और आप लोग तो एग्जाम की तैयारी करो तो थोड़ा सीरियस रखो यार अपने आप को, जो कि काफ़ी ज़्यादा जरूरी भी है। एक आंसर राइटिंग के बारे में एक बच्चे के द्वारा सजेशन दिया गया फैमिली मेंबर के द्वारा, काफी अच्छा लगा। जब तो अब आप लोगों के पास में टाइम आ गया क्योंकि काफी लंबा समय हो गया आप लोगों को लिखते हुए। अब जो भी आंसर आप लोग लिखते हैं उस आंसर को आप लोग उसके पेपर के ऊपर आप लोग टाइम लिखा कीजिए कि कितना टाइम आप लोगों को ये आंसर लिखने में लगा है। 10 मिनट लगी है, 20 मिनट लगी है, 15 मिनट लगी है, आधा घंटा लगा है, 1 घंटा लगा है, शर्माना नहीं है, वो आप लोग अपना चेक करते रहना है। आप लोगों को क्या करना है उसको घटाना है आराम से आगे चलकर, और किसी और के टाइम पर फोकस नहीं देना है कि यार वो तो 5 मिनट में लिख रहा है, मैं 7 में क्यों लिख रहा हूं, मैं 10 में क्यों लिख रहा हूं, मैं आधे घंटे में क्यों लिख रहा हूं, नहीं, किसी के साथ में कंपेयर नहीं करना है, साथ में कंपेयर करना है। तो अपनी A4 साइज की शीट पे जो आंसर लिखते हैं उस पर टाइम मेंशन कर दिया कीजिए आप लोग, ताकि अपने टाइम को आप लोग याद रख सकते हैं कि हाँ मुझे ये टाइम को घटाते रहना है एग्जाम के टाइम तक, तभी आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। और बहुत सारे बच्चों के द्वारा जो अभी NDA का जो रिजल्ट आया उसमें कई सारे CDS का जो रिजल्ट आया उसमें कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो कांग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू। देखिए कई सारे मैसेज नहीं पढ़े जाते हैं, एक बच्चे बोल भी रहे थे कई सारे कि सर मैसेज किया था सिलेक्शन हो गया, आप देखते ही नहीं हो। यार सिलेक्शन हो गया ये इससे अच्छी बात क्या है, मेरे देखने ना देखने कोई बात नहीं है। वैसे अगर जिसका सिलेक्शन होता मैंने बताया था आप लोगों को studylover24@gmail.com वहाँ पर आप लोग सेंड किया कीजिए अगर सिलेक्शन हो जाता है वहाँ पर, ठीक है ना। बाकी अगर कोई पर्सनल चीज़ है तो आप लोग फेसबुक पर सेंड कर दिए, तो थोड़ा सा आप लोग भी देखिए चीज़ें थोड़ा सा मैनेज कर चलने की कोशिश करता हूँ जितना मेरे से हो पाता है यार, ठीक है। फिर भी आप लोगों को कॉन्ग्रेट्स यार, अच्छे से आप लोग इन्जॉय कीजिए लाइफ को जो कि काफ़ी जरूरी है, इसी तरीके से आप लोग डेडिकेट होकर काम करते रहना है। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो यहाँ पर आर्टिकल है ये है तेलंगाना के बारे में। पहले आप लोग तेलंगाना को मैप में निहार लीजिए कि एग्जैक्ट तेलंगाना है क्या। तेलंगाना यहाँ पर आप लोगों के सामने है, तेलंगाना को टच करता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर हो गया ये छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये हो गया कितने राज्य टच करते हैं, तो 1, 2, 3, और 4, तो 4 राज्य टच करते हैं तेलंगाना को, ठीक है, उड़ीसा टच नहीं करता है। तो तेलंगाना के बारे में बात की जा रही है, तेलंगाना में आखिर प्रॉब्लम क्या है, और ये प्रॉब्लम आप लोगों को तेलंगाना के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखनी है, ये प्रॉब्लम पूरी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिल सकती है। प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, तो कितनी हद तक ये सही है इसके बारे में यहाँ पर एनालिसिस किया जा रहा है। फोकस जो होना चाहिए, राइटर ये बोल रहे हैं, वो प्राइवेटाइजेशन पे नहीं होना चाहिए, वो रिवाइटलाइजेशन पे होना चाहिए, यानी कि आप लोगों को रिवाइव करना चाहिए सेक्टर को, ना कि उसको प्राइवेट करना, यानी कि आप लोगों को फोकस देकर चलना चाहिए कि किस तरीके से आप लोग उसको और अच्छा बना सकते हैं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बातें की जा रही है, 2 नवंबर को यहां पर अभी 28 दिन हो गए हैं प्रोटेस्ट करते हुए तेलंगाना स्टेट जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उसके द्वारा, तो यहां पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो गवर्नमेंट चाहती है वो चाहती है प्राइवेटाइज करना, और ये चाहते हैं कि प्राइवेटाइज न किया जाए। तो ना इधर तो तेलंगाना गवर्नमेंट और ना ही जॉइंट एक्टिंग की जो कमेटी है तो लगभग जो बात की जा रही है ना तो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा और ना ही दो जो यहां पर जॉइंट अभी सर्दी जैसे जैसे आने लगी गला चेंज होने लगेगा, क्योंकि सर्दियों में ना पकड़ने लगता है, 3-4 लेक्चर जब रिकॉर्ड हो जाते हैं तो फिर गला बोलने लगता है कि बस अब बहुत हो गया, बस करो। तो ये अभी असर हल्का हल्का सा दिखने लगेगा, चलो ध्यान रखते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है तेलंगाना गवर्नमेंट के बारे में बात की जा रही है, तो तेलंगाना गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कोई ज्यादा फोकस नहीं दे रही है, और ना ही जॉइंट एक्शन कमेटी जो कि लगभग 48,000 इंप्लॉय हैं, वो भी यहाँ पर कोई इसकी अपनी पोजीशन से हटने के लिए तैयार नहीं है। तो दोनों अपनी अपनी यथा पोजीशन पर बने हुए हैं, जिसके तहत डेडलॉक यहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या क्या बातें हैं, तो सबसे पहले तो इसको लॉन्गेस्ट एवर हिस्ट्री की जो कॉरपोरेशन के फील्ड में सबसे बड़ी यहाँ पर इसके ये इसको स्ट्राइक बोला गया है। 27 डे की स्ट्राइक देखने को मिली थी 2011 में, और वो किस लिए थी, वो इसलिए थी कि तेलंगाना का जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है उसको आंध्र प्रदेश से अलग करने की बात की जा रही थी, तो उस टाइम पर ये स्ट्राइक हुई थी। आज के डेट में जो स्ट्राइक हो चुकी है ये इसको भी क्रॉस कर ये 28 दिन में पहुंच गई है, जो कि बड़ी स्ट्राइक आप लोग बोल सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन का प्लान है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि इसको प्राइवेटाइज किया जा सके तेलंगाना, क्योंकि आज के डेट में यहाँ पर होता क्या है, देखिए आज के डेट में जो बेसिकली यहाँ पर जो काम कर रहे हैं खासकर गवर्नमेंट के सेक्टर में उनको ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, उसका रीजन मैं भी आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं इसको प्राइवेटाइज किया जा सके, और जो यहाँ पर बेसिकली जो एम्प्लॉय है वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के अंडर ही रह जाना चाहिए। प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है, लगभग आज के डेट में 10,000 के करीब बसेज हैं, उनमें से 5,000 को बोला जा रहा है कि प्राइवेटाइज किया जा सके, और कैबिनेट इसके पीछे पूरा प्लान बनाए बैठा है कि किस तरीके से प्राइवेटाइज करना है। इसमें इनके द्वारा बोला गया है कि देखिए 5,000 को प्राइवेटाइज किया जाएगा, इसमें से 30% जो रहेंगी वो तो हायर बेसिस पे रहेंगी, यानी कि हायर किया जा सकता है उसको किसी के द्वारा, प्राइवेट ओनर के द्वारा, और वो उसको यूज कर सकता है, और बाकी 20% जो है एंटायरली प्राइवेट की जाएगी, यानी कि अपना खुद का व्हीकल लेकर आओ, अपने हिसाब से पूरा काम करो, वो कंप्लीटली प्राइवेटाइज के अंडर में रहेंगी। तो इस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। रीजन क्या है, रीजन
इनफिशियंसी आ रही है यहाँ पर जो आज के डेट में रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है तेलंगाना के अंदर में, आखिर ये इनफिशियंसी आ किसकी वजह से रही है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बन सकता है। और ये आप लोगों को जो मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग इसको तेलंगाना को ध्यान में रखते हुए नहीं करना है आप लोगों को, बेसिकली ये जो आप लोगों को करना है ध्यान में रखते हुए आप लोगों को करना है किस तरीके से हमारी पूरी कंट्री में ऐसी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में देखने को मिल रही है। तो अगर क्वेश्चन बने कि प्राइवेटाइजेशन किस हद तक सही है, ये क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्राइवेटाइजेशन किस हद तक सही है जो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है उसका, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग एक तरीके से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बात क्या की जा रही है यहाँ पर, बेसिकली कि पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है वो परमानेंट इंप्लॉय होते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि गवर्नमेंट की जॉब कर लो भैया दामाद बन जाओगे। दामाद का मतलब क्या होता है, देखिए वहां पर कोई डर नहीं रहता है कि आप लोग कोई निकाल के फेंकेगा। प्राइवेट में क्या करोगे, अगर जरा सी भी इनफिशियंसी आप लोगों की देखने को मिलेगी तो जरा सी देर में आप लोगों गेट दिखा देंगे, भैया निकलो आपकी जगह कोई और आएगा काम करेगा। प्राइवेट फील्ड में इसीलिए ज्यादा इफिशियंटली लोग वर्क कर पाते हैं क्योंकि एक डर बना रहता है। गवर्नमेंट में जाकर गवर्नमेंट ज्यादा इफिशियंटली वर्क क्यों नहीं करते, क्योंकि वहां पर लगता है कि एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब आ गई है, अब ढंग से काम नहीं करना है क्योंकि कोई निकालने वाला नहीं है। पर लेकिन सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे हैं जो सीरियस काम करते हैं, बिल्कुल करप्शन नहीं करते हैं, अपनी ड्यूटी को पोल्यूट नहीं करते हैं, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम सर की है, वो एक काफी अच्छी कोटेशन है, मुझे लाइफ में काफी इंस्पायर करती है वो, कि डोंट पोल्यूट योर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को कभी भी आप लोगों को पोल्यूट नहीं करना है। अगर आप लोग अपनी ड्यूटी पोल्यूट करेंगे तो आप लोगों को लोगों को सैल्यूट करना पड़ेगा, और अगर आप लोग अपनी ड्यूटी को सैल्यूट करेंगे तो लोग भी आप लोगों को सैल्यूट करेंगे, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि आप लोग चाहे प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, अगर आप लोग अपने काम को ढंग से करते हैं कोई आप लोगों के ऊपर उंगली उठाएगा ही नहीं, उंगली हमेशा वहां उठाई जाती है जहां कोताही बरतना स्टार्ट कर देते हैं लोग। तो यहां पर यही बात की जा रही है कि देखिए वहां पर इफिशियंसी काम करना पड़ेगा, पर लेकिन यहां पर इफिशियंसी का कोई मतलब नहीं रहता है, बेसिकली बहुत सारे लोग आप लोग ऐसे देखने को मिलते हैं। सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं वो इसको नेगेटिवली मत लीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं कुछ लोग आप लोगों ने अपने आसपास भी देखे होंगे, ठीक है, कि ऐसे लोग होते हैं। प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट में कोई ऐसा ऑब्लिगेशन ही नहीं है कि आप लोगों को निकाला नहीं जाएगा, प्राइवेट में तो जरा सी देर में निकालेंगे अगर आप लोग ढंग से काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो यहां पर इंप्लॉय है वो प्रोटेस्ट करें कि हमको गवर्नमेंट में ही रखो, एक तो ये बात है इफिशियंसी ढंग से नहीं है पहली बात। दूसरा अगर बात करें फिनोमिनन, पहला यहां पर जो बोला जा रहा है तो आगे क्या देखने को मिल रहा है, देखिए सबसे बड़ी प्राइवेट की बात की जा रही है, प्राइवेट जो सेक्टर है वो काफी लार्ज स्केल पर यहां पर काम कर रहा है। नए नए आ गए जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, बाकी कैब, आज के टाइम बाइक भी स्टार्टअप स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप लोग कहीं जाना चाहते हैं तो बाइक भी आप लोगों को मिलती है उधार लेने के लिए, इसी के साथ में छोड़ने वाले भी आप लोगों को मिल जाएंगे बाइक पर बैठा करके, हाँ वहां छोड़कर आते हैं। मेट्रो जो सर्विस है वो लार्ज स्केल पर इंप्लीमेंट की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट है स्टेट के वो खस्ता हालत में होते जा रहे हैं इन सब चीजों की वजह से। ये सारी चीजें मॉडर्नाइज है और वो आज के टाइम पुरानी बसें यूज कर रहे हैं, ढंग से बस भी अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, और यहां पर सारी फैसिलिटीज ढंग से प्रोवाइड करा रहे हैं और सस्ती प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस तरीके से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट है उस सेक्टर से दूर हट रहे हैं, तो इसी के चलते यहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और यहां पर जो परमानेंट स्टाफ है, एक बार अगर रिटायर हो जा रहा है उसको वो भर ही नहीं रहे, इसके चलते क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है और पैसा नहीं है उसको भर नहीं रहे, तो इसके चलते और ज्यादा इफिशियंसी यहां पर कम हो जा रही है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी ये गवर्नमेंट के लिए नहीं रह गए स्टेट के अंदर, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। प्राइवेटाइज और यहां पर अगर बात की जाए, देख क्वेश्चन यहां पर ये नहीं है प्राइवेटाइज करना है कि प्राइवेटाइज नहीं करना है, क्वेश्चन यहां पर यह कि गवर्नमेंट का जो कोर सेक्टर है जिसमें आप लोगों की ताकत है, जो आप लोगों को खासकर जनता के साथ में कनेक्ट करके रख सकता है, रीजनल और खासकर जो रूरल एरिया में आप लोग एक अच्छी कनेक्टिविटी बना सकते हैं, उसको अगर आप लोग अपने हाथ से जाने दे रहे हैं तो फिर ये देखिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपनी पावर दूसरे के हाथ में दे रहा है, तो ये सही तरीका यहां पर नहीं है। गवर्नमेंट को यहां पर जो खासकर कॉन्फिडेंस एक तो रखना चाहिए, इनके किस तरीके से आप लोग यहाँ पर इनके अंदर कॉन्फिडेंस उसको मेंटेन रख सकते हैं और कैसे आप लोग इसको रिवाइव कर सकते हैं, तो रिवाइटलाइज आप लोगों को इसको करना है बेसिकली सेक्टर को, ताकि और इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग क्यों कंप्लीटली इसको प्राइवेट कर रहे हैं। आप लोग ऐसा कीजिए ना कि डिसीजन मेकिंग तो आप लोगों के हाथ में रहे 51%, बाकी 49% आप लोग दूसरों के हाथ में दे दीजिए कि मिलकर काम करते हैं, तो पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप लोग काम करो ना, तो ये भी एक सजेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इफिशियंसी बढ़ानी है क्योंकि प्राइवेटाइज अगर हो गया तो कल को मनमानी चलाने लगेंगे, फिर आप लोग क्या करोगे, तो इसके बारे में जरा सोचिएगा जरूर, वरना आगे आने वाले टाइम में काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये था काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, और खासकर सॉरी क्या हो गया, खासकर आप लोग याद रखिएगा अगर बात करें हमारी कंट्री में जो हमारे जो सॉरी जीएस के पेपर में जो थर्ड पार्ट है, खासकर जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहां पर कनेक्टिविटी काफी बड़ा इशू आता है, खासकर इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड, तो ये इसको एक अच्छा आंसर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर, ये नागा पीस एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है। नागा पीस एग्रीमेंट यहाँ पर ये 31 अक्टूबर 2019 में जो अभी गई है डेट, यहाँ पर इसको फाइनलाइज करने की बात की गई थी, पर लेकिन ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, डेडलॉक यहाँ पर बना हुआ है, तो उसके चलते यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो फाइनलाइज क्यों नहीं हुआ है, फाइनलाइज इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये अलग फ्लैग चाहिए इनको और अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जो खासकर नागा कम्युनिटी है। नागा कम्युनिटी कौन सी नागा कम्युनिटी है, नागा कम्युनिटी बेसिकली एक ट्राइबल कम्युनिटी आप लोग बोल सकते हैं जो अलग अलग राज्य में फैली हुई है, यानी कि नागालैंड वाला तो राज्य आप लोगों को दिखेगा यहाँ पर, नागालैंड तो बेसिकली हमारा ये हो ही गया,
ठीक है नागल, ये वाला मैप में ढंग से नहीं दिख रहा है, ये वाला आप लोग देखिए ठीक है। तो ये यहां पर आप लोग देखते हैं, ये हो गया नागालैंड, नागालैंड यहां पर हो गया, तो यहां पर मणिपुर हो गया, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, और ये हो गया आसाम, और इधर यहां पर म्यांमार। तो आसपास के एरिया को कनेक्ट करके पूरा एक ग्रेटर नागालैंड बनाने की बात ये करते हैं पुराने समय से ही। और आज की बात नहीं है, यहां पर अगर आप लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे तो वहां से इनकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। ये नागा क्लब बनाया गया 1918 में, ठीक है ना। तो 1918 में नागा क्लब का गठन किया गया। हमारी कंट्री तो आजाद हुई 1947 में, इनके द्वारा अपने आपको आजाद घोषित कर दिया गया था 1946 में, यानी कि एक साल पहले ही यहां पर इनके द्वारा अपने आपको ये यहां पर बेसिकली घोषित कर दिया गया था कि हम लोग यहां पर इंडिपेंडेंट बॉडी की तरीके से हम लोग यहां पर काम कर रहे हैं। और यहां पर फिर रेफरेंडम भी कराया गया 1951 में कि क्या आप लोगों को एक अलग से जमीन चाहिए, अलग से कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही थी कि नागालैंड एक ग्रेटर नागालैंड एक अलग कंट्री यहां पर बनाई जाएगी। तो इसके चलते यहां पर जो बेसिकली फंडा देखने को मिला, अब देखिए यहां तो कंट्री आजाद और सब चीजें अलग तरीके से चलने लगी। अब सिचुएशन ये बनी कि कैसे इनको टैगल करके चलना है। तो कई सारे ग्रुप यहां पर साथ में निकल कर आए कि हां ये काम करेंगे कि इसको एक अलग कंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके चलते कई सारे स्टेप यहां पर उठाए गए, जिसमें एक तो इंपॉर्टेंट फैक्ट खासकर आजादी से पहले का है, 1946 में यहां पर एक काउंसिल बनाई गई, नागालैंड से रिलेटेड नेशनल लेवल की काउंसिल बनाई गई, जिसके ऊपर बात करने की बात की गई। आखिर ये एग्रीमेंट पिक्चर में कब आया, 1975 में यहां पर बात की गई जो नागा पीस अकॉर्ड के बारे में, एक पीस अकॉर्ड साइन किया गया। काफी लंबे समय से गवर्नमेंट के बीच में आजादी से, मैंने आप लोगों को बताया था 1951 में रेफरेंडम कराया था, रेफरेंडम एक तरीके से वोटिंग मांगी जाती है जनता से कि क्या करना है। ये 1975 में यहां पर क्या हुआ, ये यहां पर पीस अकॉर्ड आया, इसका मतलब बेसिकली ये था कि हम लोगों को क्या करना है, शांति बनाने की कोशिश करनी है। तो जब यहां पर ये पीस अकॉर्ड आया तो यहां पर मिलकर काम किया गया इनके द्वारा जो नागा कम्युनिटी के जो भी यहां पर ये लोग थे। पर लेकिन आगे चलकर आप लोगों को पता है जिस तरीके से अभी आप लोग देख रहे हैं ब्रेग्जिट डील, तो यहां पर जो ब्रेग्जिट डील स्टार्टिंग में तो था कि आराम से हो जाएगी, पर लेकिन आज के डेट में वो एक डेड लॉक बन चुकी है। तो फिर ऐसी कुछ कंडीशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिली, कई सारे और भी ग्रुप आने लगे यहां पर 1980s में चल के। तो कुछ तो ग्रुप ऐसे थे जो एक साइड में थे, दूसरे ग्रुप ऐसे थे खुद दूसरी साइड में थे, यानी कि एक दूसरे के साथ में काम करने की कोशिश नहीं की गई। फिर से यहां पर प्रोटेस्ट होने लगा, फिर से यहां पर कई सारे लोगों की जान गई। तो फिर 1997 में आकर इनके द्वारा सीज फायर एग्रीमेंट यहां पर आ गया। बेसिकली इनके द्वारा यह बोला गया कि अब ना तो हम लोग कोई प्रोटेस्ट करेंगे और ना ही हमारे ऊपर कोई गवर्नमेंट एजेंसी कोई अत्याचार करेगी। तो इस तरीके से यहां पर बात की गई। तो उसी के चलते जब यहां पर 1997 से जब चलते रहे शांति बनी रही, 2015 में जाकर अब यहां पर यह फ्रेमवर्क एग्रीमेंट आया। ये एग्रीमेंट आखिर है क्या, ये आज तक किसी को नहीं पता है क्योंकि इसको पब्लिक नहीं किया गया। अब ये एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करना था अक्टूबर 31, 2019 में, जो कि 144वीं बर्थ एनिवर्सरी यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सेलिब्रेट की गई है। इसी टाइम पर हमारी कंट्री में दो नई यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, जिसकी वजह से 9 यूनियन टेरिटरी हो गई है। तो इसी टाइम पर यहां पर इस इशू को भी सेटल करने की बात की गई थी, पर लेकिन ये तो इशू सेटल हो गया, पर ये वाला इशू अभी सेटल नहीं हो पाया। तो इसी के चलते यहां पर ये आर्टिकल पूरा लिखा गया। तो ये पूरा एक टाइमलाइन है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। अभी ये पब्लिक नहीं किया गया इसको कि एक्चुअल में है क्या और क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। नेक्स्ट जो यहां पर बात की जा रही है इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को बोला था पोल्यूशन के बारे में नहीं है, बेसिकली पोल्यूशन बोल दिया था मैंने वहां पर। ये जो बात की जा रही है ये है यहां पर कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज के बारे में। हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्री है। वो कौन सी है, सबके नाम आप लोगों को पता होना चाहिए और अब तो आप लोगों को ये याद भी हो गए होंगे, रटना नहीं है कुछ भी, आप लोग इनको वैसे भी समझ सकते हैं। ये वो इंडस्ट्री है सारी जिनके बेस पर हमारी कंट्री चलती है, हमारी कंट्री का कोई भी कंट्री चलती है। बेसिकली कोयले की जरूरत है, कच्चे तेल की जरूरत है, नेचुरल गैस की जरूरत है, रिफाइनरी प्रोडक्ट की जरूरत है, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। ये बेसिकली कोर इंडस्ट्रीज है। जो बेस ईयर यहां पर माना गया है ये 2011-12 माना गया है, और ये जो है IIP में यहां पर जो इनकी प्रेजेंटेशन है वो दिखाई गई है। इंडस्ट्रियल जो इंडेक्स होता है यहां पर प्रोडक्शन का, उसमें यहां पर ये इनका दिखाया गया। तो ये 10.3 है, ये 8.9 है, ये 6.88 है, ये 28.04 है, ये 2.63 है, 17.92 है, 5.73 है, 1985, तो टोटल मिलाकर 100% हो गया। तो ये वेटेज काफी इंपॉर्टेंट है। आखिर न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोयला, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस और सीमेंट, सब में यहां पर नेगेटिव आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगा, यानी कि नेगेटिव साइड में सब लोग यहां पर चल रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है वो है कोयला सेक्टर में। कोयला सेक्टर में यहां पर 20.5 नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी के साथ में दूसरे नंबर पर जो नेगेटिव ग्रोथ है सबसे ज्यादा वो है यहां पर रिफाइनरी प्रोडक्ट में, ठीक है। और बाकी एक सेक्टर अकेला ऐसा है जहां पर पॉजिटिव ग्रोथ है, वो है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में जो पॉजिटिव ग्रोथ है, यानी कि जो खाद वगैरह होता है, उसमें 5.4%, बाकी सब में नेगेटिव ग्रोथ है। तो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक खस्ता हालत जो है ये उसके बारे
बारे में यहां पर दिखाता है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आर्टिकल जिसके बारे में याद रखते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, न्यूज एनालिसिस के पोर्शन को देखते हैं, क्या क्या न्यूज है हम लोग के सामने। सबसे पहले जो न्यूज निकल कर आ रही है, ये तो आप लोग को पता है कि पूरा बुरी कंडीशन है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफी नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, और जो सफर है उसके द्वारा भी यहां पर एक तरीके से वार्निंग बोली गई है कि लगभग 14 टाइम्स सेफ जोन के 14 गुना नेगेटिव डायरेक्शन में यहां पर चल रहा है। समझ सकते हैं आप लोग, जहां जो बात की जा रही है अलग अलग एरिया के बारे में, तो ये है सारे एरिया आईटीओ के बारे में। गाजियाबाद में क्या है, आनंद विहार में क्या है, नोएडा में क्या है, पटना में क्या है, बिहार में, इसी के साथ में हरियाणा में क्या है, गुरुग्राम में क्या है, अमृतसर पंजाब में क्या कंडीशन है। तो ये जो कंडीशन यहाँ पर आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है, ये सारा डेटा किसके बेस पर चेक किया जा रहा है, सारा डेटा जो चेक किया जा रहा है यहाँ पर नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बेस पर चेक किया जा रहा है, और सब जगह मैक्सिमम आप लोगों को नजर आएगा कि सीवियर क्वालिटी में यहाँ पर ये आ चुका है। तो ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि एयर की क्वालिटी कैसी है, इस एयर की क्वालिटी के बेस पर ही आप लोग इसको बता पाते हैं। और काम कौन करता है यहाँ पर, ये काम करता है सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ में मिलकर। डेवलप किया गया था आईटी कानपुर के द्वारा 2014 में, अब तो आप लोगों को ये रट भी गया होगा, इतनी बार बता चुका हूं। न्यू दिल्ली, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में यहां पर आप लोगों को इसके इंस्टॉलेशन देखने को मिलेंगे। ये चेक क्या करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर ये PM10, PM2.5, NO2, O3, CO, SO2, NH3 और PB, बाकी के सब दो को छोड़कर, O3 को और CO को छोड़कर बाकी सब में 24 घंटे लेते हैं, इनमें 8 घंटे का काउंट किया जाता है, और इसके बेस पर बताते हैं कि क्या कंडीशन चल रही है। तो 8 इंडिकेटर हो गए यहां पर, और 6 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है कि गुड कैटेगरी है 0 से 50, सेटिस्फैक्ट्री है 51 से 100, मॉडरेट है 101 से 200, पुअर है यहां पर 201 से 300, और वेरी पुअर है 301 से 400। तो ये सारे क्या क्या लेवल है, इसके बेस पर यहां पर ये कैटेगरी तैयार की जाती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहां पर बात की गई थी। बाकी नेक्स्ट बात की जा रही है सफर के बारे में, बात की जा रही है जिसको सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग बोलते हैं। तो मोस्ट एडवांस सिस्टम है एयर क्वालिटी यहां पर ये चेक करने का, ये यहां पर जो अभी बताया उसका एडवांस वर्जन आप लोग बोल सकते हैं। वेदर फोरकास्टिंग के बारे में भी यह बात करता है, ये आप लोगों को किस मिनिस्ट्री के अंडर में दिखेगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है। डेवलप किसके द्वारा किया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे के द्वारा। ऑपरेशनलाइज किसके द्वारा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है। ये बेसिकली यहां पर जो चेक करता है टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, अल्ट्रावायलेट रेज, ये ब्लैक कार्बन, मरकरी, तो वो सारी चीजें, ओजोन लेयर, तो ये भी सारी यानी कि एडवांस चीजें यहां पर ये बताता है। 24/7 एयर क्वालिटी यहां पर चेक करता है, यानी कि लाइव आप लोग रियल टाइम में जाकर चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्ट दिस मिनट पर क्या क्या कंडीशन बनी हुई है। तो ये 72 आवर का एडवांस में वार्निंग भी दे देता है अगर कोई किस तरीके की कंडीशन बन रही है, जिससे हम लोग अपनी एग्रीकल्चर, एविएशन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट स्किल, वो सारी चीजें कर सके, ताकि सिटीजन पहले से अवेयर हो जाए कि भैया आपदा आने वाली है, आप लोग अवेयर हो जाओ। तो ये सारा सफर के द्वारा यहां पर किया जाता है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ओड इवन स्कीम यहां पर हमारी कंट्री में स्टार्ट कर दी गई है, अगर नहीं ढंग से फॉलो करोगे तो 4,000 रुपए लगेंगे, तो आज से इसको स्टार्ट किया गया है। तो आज है ओड, या आज है यहां पर इवन डे, यानी कि 4 नवंबर है, तो इवन डे इवन वाली गाड़ी चलेंगे, इनके जिनका नंबर जो जिनका नंबर एंड हो रहा है 02468, ठीक है, तो वो वाली गाड़ी यहां पर चलेगी। तो इसके चलते याद रखते हैं बच्चों, या फिर यूनिफॉर्म जो बच्चे पहने हुए, या फिर जो कार ओनली वुमेन है, तो वहां पर उनको अलाउ किया गया, बाकी सबको किसी को अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। आगे नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में हमारी कंट्री में, आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, ये कंट्री है जहां से हम लोग कच्चा तेल खरीद कर लेता है, इराक, सऊदी अरेबिया, ईरान, वेनेजुएला, नाइजीरिया, यूएई, ठीक है। रीजन कौन से हैं, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, और यहां पर बेसिकली यहां पर ही हो गया साउथ अमेरिका। एक बार आप लोग मैप में इसको देखिए, आप लोग तब समझ पाएंगे कैसे कैसे मैं क्या क्या यहां पर बात करना चाह रहा हूं। ये ये वाला मैप आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कुछ सामान हम लोग यहां से खरीद के लेकर आते हैं, ईरान से, इराक से, यहां पर वेनेजुएला से खरीद कर लेकर आते हैं, नाइजीरिया वगैरह यहां पर अफ्रीका से खरीद कर लेकर आते हैं। तो ये हम लोग सारा पानी के थ्रू लेकर आते हैं, हवाई जहाज में तो इनको रख के लेकर आएंगे नहीं हम लोग, यहां पर यहां से आ गया तो यहां पर आ गया, यहां से निकल के आ गया तो यहां से आ गया। तो कई बार क्या होता है, जो क्रूड ऑयल होता है जिसको आप लोग कच्चा तेल भी बोलते हैं, तो कुछ ऐसा यहां पर देखने को मिलता है। इसमें ये क्या क्या निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, ये जेट फ्यूल वगैरह, ये सारे रिफाइनरी प्रोडक्ट, ये सब हम लोग इससे निकालते हैं। तो क्रूड ऑयल, कच्चे तेल से सारे प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये कच्चा तेल होता है। कई बार जो इस टैंकर में ये भरे होते हैं, वो टैंकर में से ये तेल रिसने लगता है। अगर ये तेल रिस जाता है, तो मान लीजिए हम लोगों ने टैंकर इसके ऊपर रख के लेकर आ रहे हैं, तो ये तेल रिस गया, तो फिर क्या होगा, यहां पर ये पानी में पहुंच जाएगा, और पानी में पहुंचेगा तो जो भी वहां पर जीव जंतु होंगे उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, कई सारे तो यहां पर मर भी जाएंगे। तो अभी यहां पर जो बात की जा रही है, सिर्फ यहां पर नूरशाही नारिनी, तो ये बोला जा रहा है कि इसकी वजह से कई सारी फिश की डेथ हो गई है, इसमें से यहां पर बेसिकली क्रूड ऑयल निकला है, तो ऐसा कुछ बोला जा रहा है, जबकि इनके द्वारा मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं निकला है, ठीक है। अब देखते हैं क्या कंडीशन बनती है, पर लेकिन आज के में जो समुद्र के अंदर जो लाइफ है वो काफी खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी है इन सारी एक्टिविटीज की वजह से, तो ये याद आप लोग रख सकते हैं।
नेक्स्ट बात की जा रही है रंजन गोगोई साहब जो हमारी कंट्री के 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, नेक्स्ट आने वाले 47। अच्छा 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनने वाले हैं? अब तो आप लोगों को नाम याद हो गया होगा। तो आसाम नेशनल रजिस्टर है जो सिटीजन यहां पर, जिसको आप लोग एनआरसी का प्रोसीजर बोलते थे। तो एनआरसी का प्रोसीजर क्या है? ये एक तरीके चेक करने का प्रोसीजर था कि आसाम के अंदर कोई इलीगल इमिग्रेंट नहीं आ गया है 1971 की वॉर के बाद में, तो यहां पर ये उसको चेक किया जाता था। तो उसके चलते यहां पर लिस्ट तैयार की जा रही है और अपडेट किया जा रहा है। 1951 की जो लिस्ट थी तो उसको अपडेट किया जा रहा है और इलीगल इमिग्रेंट को यहां पर चेक किया गया कि कौन कौन इलीगल हमारी कंट्री में आ चुका है। तो ये सारा काम रंजन गोगोई साहब की अध्यक्षता में किया गया, तो जिनके द्वारा स्पेशल बेंच यहां पर गठन की गई इसको सुपरविजन मॉनिटर करने के लिए। तो कोर्ट के द्वारा जो यहां पर इंटरवीन किया गया यहां पर, तो फाइनल अगस्त को प्रस्तुत किया गया, 31 अगस्त को। अब यहां पर ये रिटायर हो रहे हैं तो इनके द्वारा यहां पर ये बोला जा रहा है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि नई चीजें यहां पर हम लोगों ने इसको इसीलिए चेक किया गया था, बेसिकली कि क्या किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये कोर्ट की अध्यक्षता के अंदर चल रहा था। नेक्स्ट बात की जा रही है प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में। इनका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो भी हैक किया गया, व्हाट्सएप के द्वारा टेक्स्ट किया गया इनको कि आपका अकाउंट भी इस तरीके से कुछ हैक किया गया, क्योंकि जिस जिसके अकाउंट हैक किया गया सबको व्हाट्सएप के द्वारा टेक्स्ट किया गया है। तो अब ये और बड़ा इशू यहां पर बनता जा रहा है। इसी के चलते जो पार्लियामेंट्री पैनल है जो कांग्रेस के द्वारा हेड किया जा रहा है, वो एग्जामिन करेगा कि क्या यहाँ पर रियलिटी में ये व्हाट्सएप के द्वारा इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं, और डिटेल में यहाँ पर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो देखते हैं क्या कंडीशन निकल कर आती है, क्योंकि अभी कोई भी एग्जैक्टली सही बात कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। होम मिनिस्ट्री के द्वारा वॉर्न किया गया लोन वुल्फ अटैक के बारे में। लोन वुल्फ अटैक क्या होते हैं? जब देखिए, मान लीजिए आज के में आप लोग इसको पॉजिटिव वे में देखिए तो नेगेटिव वे में हो गया। मान लीजिए मैं यहां पर बैठा हूं अपना, जहां से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग भी कहीं पर जाकर किसी को पढ़ाना स्टार्ट करो, ठीक है, अपने एरिया में आप लोग पढ़ाना स्टार्ट करो, और मैं ऐसे बहुत सारी अपनी टीम इकट्ठी कर लूं कि मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को और आप लोग जाकर पढ़ाओ उसको, ठीक है। अगर आप लोग क्या आप लोग बोलेंगे कि फ्री में कैसे करेंगे, सारा काम आएंगे जाएंगे खर्चा हो जाएगा, ये मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि कोई नहीं, आप लोग सामने वाले को बोलना कि जितनी तुम्हारी क्षमता है पैसे देने की उतना आप लोग दे सकते हो वॉलंटरी, कोई फीस नहीं है कि आप लोगों को फीस इतनी देनी है। अगर आप लोग 10 रुपए देते हो तो 10 दो, 5 देते हो 5 दो, 100 देते हो 100 दो, आप लोग अपने हिसाब से दे सकते हैं, पर मैं आप लोगों को पढ़ाने आऊंगा, ठीक है। तो हो क्या गया, एक तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया और आप लोगों को पढ़ाकर छोड़ दिया, आप लोग इसको जाकर पढ़ाओ और जहां जहां पर आप लोग अपने हिसाब से इसको टैगल कर सकते हैं जहां जहां पर आप लोगों को पढ़ाना है, कुछ ऐसी कंडीशन ये तो हो गया पॉजिटिव वे में। अब यहां पर नेगेटिव वे में क्या हो गया, नेगेटिव वे में ये है, ये आप लोग मेरे से इन्फ्लुएंस होकर इनको पढ़ा रहे हैं। अब इसी तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटी से इन्फ्लुएंस होकर जो लोग यहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाते हैं वो मेन जो मेंबर है उससे कनेक्ट भी नहीं रहते हैं, उसकी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और फिर क्या रहते हैं, उनको बस एक इशारे पे इशारा दिया जाता है उनको कि जाकर अटैक करो। तो एक कई बार बॉम्बर अटैक भी होते हैं, ये क्या करते हैं गाड़ी को उड़ा, गाड़ी में बैठते हैं बॉम्ब लगा के उसको उड़ा देते हैं, जैसे अभी पुलवामा अटैक देखने को मिला, खुद के ऊपर बॉम्ब बांधते हैं उसको उड़ा देते हैं। तो ये ऐसी एक्टिविटी करने लगते हैं फिर जो कि काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। तो अभी यहां पर रिपब्लिक डे जो हमारा आने वाला है 26 जनवरी को, तो उसके चलते यहां पर स्टेट जारी की गई है होम मिनिस्ट्री के द्वारा कि ऐसा कुछ हो सकता है आने वाले टाइम पर, ठीक है। तो सिक्योरिटी बनाए रखने की बात यहां पर की जा रही है और खासकर पाकिस्तान अफगानिस्तान और जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाली जो बेल्ट है यहां पर ये काफी हरकतें देखने को मिल रही है, तो उसके चलते भी यहां पर ये हरकतें निकल कर आ सकती है। और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इनको इनपुट प्रोवाइड कराती है सारे लश्करे तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे, आज की डेट में भी पूरी अच्छे से वहां से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब लोन वुल्फ के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, अगर टेररिस्ट एक्टिविटी की और सिक्योरिटी के बारे में आप लोग कोई आंसर लिख रहे हैं तो वहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि ये भी बहुत बड़ी थ्रेट है आज की डेट में, जो कि रिसेंटली हमारी होम मिनिस्ट्री के द्वारा भी इसके बारे में अलर्ट जारी किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ बातें, बाकी यहाँ पर देखिए ये कितनी, देखिए हम लोग फेस्टिवल तो सेलिब्रेट करते हैं पर बुरी कंडीशन क्या बनती है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक तो ये सारे वोटर पॉल्यूटेड होते हैं और फिर यहाँ पर जाकर जो महिला होती है वो इस तरीके से पूजन करती है, आप लोग समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन है यहाँ पर पानी की। पानी में कई बार झाग आते रहते हैं, एक पानी एसिड बन चुका है कई जगह, तो वहां पर ये कई सारी बीमारी फिर महिलाओं को लगने के चांसेस रहते हैं। तो सेलिब्रेशन के साथ में हम लोग को अपने इन्वायरमेंट और वाटर का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो छठ पूजा सेलिब्रेशन में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये कुछ इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए यार, ये काफी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो रही है जो आप लोग भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है जो नए गवर्नर कहां के बन गए, नए गवर्नर बन गए गोवा के सत्यपाल मलिक साहब, जो कि अब तक जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे। ओथ इनको कौन दिलाते हैं, तो यहां पर जो बॉम्बे हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा ओथ दिलाई जाती है, ठीक है। तो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा यहां पर इनको ओथ दिलाई गई है, तो ये नए गवर्नर बन गए कहां के, बॉम्बे हाई उसके गोवा के। तो इनके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर ये काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, 500 के करीब जो पैसेंजर लोकोमोटिव साउथ सेंट्रल जो जोन है, बेसिकली साउथ सेंट्रल रेलवे जोन है, उसमें यहां पर बोल दिया गया कि यहां पर क्या किया गया कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन उनको मिल पाएगी, उनको यहां पर एक तरीके से मॉनिटर अप किया जा सकता है आसानी से। तो ये सेंट्रल फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू इसको डेवलप किया गया इसके द्वारा, और ये यहां पर मिलकर काम कर रहे हैं यहां पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का, जो यहां पर एयर
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर जो गगन है, गगन के यहाँ पर ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, ठीक है, एक तरीके का ये हमारी कंट्री का। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर जीपीएस के बारे में बात करते हैं जो कि यूएसए का है, ये गगन हमारी कंट्री का है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट, हमारी कंट्री का नया मैप तैयार कर दिया गया है, तो जो ये नया मैप तैयार किया गया है जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, न्यू मैप ऑफ इंडिया बाई वीर, तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग यहां से की थी, तो ये चेंज यहां पर किया गया है नए मैप में, ठीक है। तो यहां पर ये लद्दाख वाला पूरा पोर्शन बनाया गया, किस किस में क्या क्या डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कब कब पुराने डिस्ट्रिक्ट थे, नए डिस्ट्रिक्ट कौन से बने हैं, तो ये सारा डिटेल में आप लोगों को यहां पर समझाया गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा अगर एक बार इसको आप लोग देख लेंगे। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो ही देखेगा, अगर कंफ्यूजन है वो सॉरी अगर कंफ्यूजन है तो ही देखेगा, कंफ्यूजन नहीं है तो फिर देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, उल्टा बोल दिया। चलिए कोई नहीं, इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, हाँ ये न्यूज़ ये थी बेसिकली कि यहाँ पर जो अमरावती है आंध्र प्रदेश की जो नई कैपिटल बनाई जा रही है वो मैप के अंदर मेंशन नहीं है, ठीक है, तो अभी हैदराबाद ही यहाँ पर कैपिटल है, तो इसके बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल था। नेक्स्ट, यहाँ पर जो टेलीकॉम मिनिस्टर है, उन जो टेलीकॉम मिनिस्टर हमारी कंट्री में रविशंकर प्रसाद, उनके द्वारा बोला गया बीएसएनएल और एमटीएनएल को जल्दी जल्दी एक स्कीम चला रखी है इनके द्वारा, जिसको वीआरएस बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। इसका मतलब क्या है, देखिए बहुत सारे एम्प्लॉई हैं बीएसएनएल के अंदर में जो कि बर्डन बनाते हैं, तो बोला जा रहा है इनको वॉलंटरी रिटायरमेंट आप लोग दे दीजिए, यानी कि कहने का मतलब ये इनको कुछ पैसा दे दीजिए और रिटायर कर दीजिए इनको, क्योंकि इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितने ज्यादा लोग आज के डेट में यहां पर भर रखे हैं, तो उसको आधा कम करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, इसके चलते यहां पर ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट, यहां पर हमारी जो बीएसएफ है वो अर्थ वाटर और एयर में जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसको यहां पर सिक्योर कर रही है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर ये हमारी कंट्री में जो चीजें यूज की जा रही है, तो इज़राइल के जो थेटर ड्रोन है और इसी के साथ में जो थर्मल इमेजिंग है उसका यूज करके पूरे अच्छे से हम लोग बांग्लादेश के बॉर्डर को ट्रैक कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का बॉर्डर भी इसी तरीके ट्रैक हो जाए तो फिर मजा ही आ जाए। नेक्स्ट, बात की जा रही है यहाँ पर क्यूबोन पार्क वॉल्कर के बारे में, ये एक यहाँ पर पार्क है, इसकी एसोसिएशन यहाँ पर सामने निकल कर आई है। बेसिक फंडा क्या है, बेसिक फंडा यह है कि पहले यहाँ पर 300 एकड़ का पार्क हुआ करता था, अब यहाँ पर ये 160 एकड़ में आ गया है। रीजन क्या है, डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो उसी को रोकने के लिए यहाँ पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है बेंगलुरु के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कहाँ पर चल रहा है, बेंगलुरु। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर आप लोग कुछ लिखते हैं इस तरीके से, ट्री को काटा जा रहा है, तो यहाँ पर इसका भी आप लोग ऐसे एग्जांपल के तौर पर आप लोग यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर। नेक्स्ट, ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आर्मी डिफेंस के बारे में, तो आप लोग अगर सीडीएस एनडीए या फिर सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछ ले जाते हैं, यूपीएससी में भी आते हैं कई बार क्वेश्चन, जिस तरीके से आप लोग आईएएस का एग्जाम देते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंशन करने के लिए आ जाते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो यहां पर क्या है, धनुष आर्टिलरी के बारे में बात की जा रही है, बोला जा रहा है कि फर्स्ट जो इसका हमारी कंट्री में मिलेगा 2020 में मिलेगा और लगभग 114 के करीब यहां पर 2022 में आर्मी को यहां पर ये सप्लाई की जाएंगी। धनुष जो है बेसिकली इंडिजिनसली डेवलप की जा रही है, अपग्रेडेड वर्जन है स्विडिश बफोर्स का, जो कि 1980 में काफी न्यूज में थी, 1980 में न्यूज में थी बफोर्स स्कैंडल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा राजीव गांधी जी के टाइम पर, तो ये याद रखिएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा यहां पर हैंड ओवर किया गया यहां पर फर्स्ट 6 धनुष अभी, और इसी के साथ में आगे चलकर इनको डेवलप करने की बात की जा रही है। गन कार्टेज फैक्ट्री जबलपुर भी यहां पर मिलकर काम करेगी, बल्क प्रोडक्शन यहां पर किया जाएगा आर्मी के लिए, तो देखते हैं कब तक यहां पर चीजें हैंडल की जाती हैं, तो ये इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कैसे हम लोग अपने हिसाब से काम कर पाते हैं। नेक्स्ट, यहां पर जो न्यूज है ये इसरो की साइड से निकल के आ रही है, इसरो यहां पर क्या काम कर रही है, इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो यहां पर अपना जो अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन है लिमिटेड है, जो कि यहां पर बेसिकली जो कमर्शियल फील्ड में काम करता है, तो उसके साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, ये नाविक के बारे में बात की जा रही है, इसको नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारी कंट्री में जो आज के में जीपीएस है ना उसको यूज करते हैं, जो कि यूएसए का है। अब अपनी ही कंट्री में अपना खुद का कैसे जीपीएस यूज कर सकते हैं, तो लगभग 1500 किलोमीटर की रेडियस में हम अपने सब कॉन्टिनेंट के अंदर अपने जीपीएस का थ्रू यूज करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, तो उसके लिए कमर्शियली इसको एक्टिवेट किया जा रहा है, हार्डवेयर सिस्टम सारा डेवलप किया जाएगा, इंडस्ट्री को यहाँ पर इन्वाइट किया जा रहा है, कैसे हम लोग और लार्ज स्केल पर इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, इमरान खान, तो इमरान खान साहब के द्वारा ट्विटर पर यह पिक्चर शेयर की गई है, यह है करतारपुर कॉरिडोर के, करतारपुर जो बेसिकली करतारपुर साहिब है उसकी पिक्चर यहां पर ये शेयर की गई है। 550वीं बर्थ एनिवर्सरी अभी हम लोग सेलिब्रेट करें गुरु नानक देव जी की, जो कि सिखिज्म के फाउंडर हैं, तो उसी के चलते यहां पर करतारपुर कॉरिडोर कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहा है रावी रिवर के ऊपर होता हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो देखते हैं कब तक यहां पर यह सोल्यूशन निकल पाता है। बेसिकली यहां पर दोनों के बीच में कई सारी बातें चल रही हैं, पाकिस्तान पैसे की बातें कर रहा है, हम लोग बोल रहे हैं कि बिना पैसे के काम चला लो यार, पर पाकिस्तान मान नहीं रहा है। चलिए जो भी है, पाकिस्तान को जरूरत भी है पैसे की। नेक्स्ट, बात करते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में, तो थाईलैंड की विजिट पर है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, तो यहां पर ये मीटिंग हुई। बेसिकली बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, तो अभी चांसेस कम ही लग रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो पाएगा, क्योंकि और भी कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी यहां पर पड़ रही है इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये निकल कर आ रही है, पाकिस्तान ने संडे में हमारी कंट्री का जो पॉलिटिकल मैप है वो रिजेक्ट कर दिया है। कौन सा मैप, जो मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाया, पाकिस्तान कह रहे हैं आप हमारे रीजन को अपने अंदर कैसे ले सकते हैं, ये तो हमको बोलना
चाहिए भैया, तुम हमारे रीजन को कैसे दबे बैठे हो। चलिए जो 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 भी है देखते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बारे में। तो इंडिया उज्बेकिस्तान की न्यूज़ क्यों है, क्योंकि हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह यहाँ पर उज्बेकिस्तान की विजिट पर हैं और उज्बेकिस्तान के साथ में हमने यहाँ पर कई सारे एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किए गए हैं। ये अलग अलग जो एग्रीमेंट है यहाँ पर, इसमें एजुकेशन के फील्ड में, मिलिट्री के फील्ड में और मेडिसिन के फील्ड में, तो ये बेसिकली बात की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 40 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट हम लोग उज्बेकिस्तान को देंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है सऊदी अरेबिया की जो ऑयल कंपनी है अरमेको, उसके द्वारा अपने आईपीओ जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये स्टार्ट किए गए हैं। तो ये एक ग्लोबल लेवल की मार्केट बनने वाली है। रीजन क्या है, ये अपना तेल से हटकर भी किसी और फील्ड में भी काम करने की सोच रहे हैं। हांगकांग के अंदर जो प्रोटेस्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो हांगकांग आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अपनी प्यारी कंट्री होगी, यहाँ से ये आप लोगों को हांगकांग नजर आएगा जो कि चाइना के पास में है। एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं वन कंट्री टू सिस्टम। वन कंट्री टू सिस्टम का मतलब क्या है, आप लोग जैसी भी पॉलिटी है वैसी रखिए, हम लोग अपनी यहाँ पर डेमोक्रेसी रखेंगे, हांगकांग बोलता है। क्यों, क्योंकि 1997 में यहाँ पर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चाइना को ये दे दिया गया था हांगकांग, तब से लेकर इसी के बेस पर काम कर रहे हैं। पर लेकिन रिसेंटली अभी एक कॉन्ट्रोवर्शियल बिल यहाँ पर आया जिसको बोला गया था कॉन्ट्रोवर्शियल एक्सट्रेडिशन बिल, यानी कि अगर कोई गलत एक्टिविटी हांगकांग के अंदर में होती है चाइना के खिलाफ, तो चाइना मेन लैंड में जाकर उसको सजा सुनाई जाएगी। तो लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया कि भैया हमारी कंट्री में ही सजा हमको मिलनी चाहिए, हम लोग वहां पर जाकर सजा क्यों लेंगे। तो उसी के चलते काफी प्रॉब्लम देखने को मिली। और बाकी यहां पर वोटर रिवॉल्यूशन अगर कोई पूछे किससे रिलेटेड है, तो हांगकांग प्रोटेस्ट से रिलेटेड है। पर्ल रिवर है यहां पर, जो पर्ल रिवर एस्टुअरी है यहां पर, ये इसके पास में देखने को मिलेगी। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को नाम दे देंगे और मैच करने के लिए बोला जाएगा। तो ये भी एक हल्की सी इंफॉर्मेशन आप लोग जरूर याद रख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे यहाँ पर, जो फर्स्ट का आंसर है यहाँ पर इसका ए, ये है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। नेक्स्ट का आंसर है यहाँ पर लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट और हार्मनी होनी चाहिए, तभी आप लोग उसको सोशल कैपिटल बोल पाएंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं ना, जब एजुकेशन और आप लोग उसको हेल्प देते हैं, अच्छा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है, तो तभी यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल हम लोग उसको कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सरकार या कमीशन के द्वारा यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई थी कि भैया स्टेट के बाहर का इंसान होना चाहिए और पॉलिटिकली वो पार्ट नहीं होना चाहिए। ये सर्विस एरिया बैंक की जो अप्रोच की बात की गई, ये यहाँ पर बैंक स्कीम है एक तरीके से, ये काफी इंपोर्टेंट था जो रिसेंटली अभी क्वेश्चन पूछे गए, तो इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं। ये आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहां पर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के बारे में बेसिकली बात की जा रही थी, जो कि यहाँ पर ये जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, 8 कोर इंडस्ट्री के बारे में, कि हाँ कितना ये रह गया इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 40.27 जो कोर इंडस्ट्री है वो आईआईपी में, जिसको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बोलते हैं, उसमें इसका शेयर होता है। एनएसएसओ जो एनएसओ है, जिसको नेशनल स्टेटिकल ऑफिस बोलते हैं, ये इसको प्रिपेयर करता है और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में ये आता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, तो इसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके प्रिजन स्टेटिक्स इंडिया 2017 हम लोगों ने बोला। तो ये था टोटल आप लोगों से सारी बातें बताएगी। नेक्स्ट यहाँ पर पेगासस के बारे में पूछा, तो इसराइल का है ये पेगासस, जो बेसिकली इसके बारे में पूछा गया, तो ये क्राइशर्स ये मालवेयर है, जो कि इसको अगर एंड्रॉइड में आप लोग बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखते हैं। तो टेलीकॉम्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया कि 30 सेकंड मोबाइल में और 60 सेकंड लैंडलाइन में आप लोगों को मिस कॉल देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। देखिए आप लोग जाकर सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, यहां से एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएगी, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं इन सब जगह पर। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, आई होप कि आप लोग कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर सीखने को जरूर मिला है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग दूसरों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी सीखने को मिले। तो ये आप लोग एक तरीके से गुरु दक्षिणा बोल सकते हैं। कई सारे बच्चे कल भी कई सारी वीडियो के नीचे कमेंट किए गए, ये सारे कमेंट कई बार आप लोग करते हैं कि सर हम हेल्प कैसे कर सकते हैं। यार सीधा सीधा तरीका, मेरी हेल्प अगर आप लोग करनी है, तो आप लोग बस एक काम कीजिए, एक आप तो पहले खुद पढ़िए, अपना सिलेक्शन लीजिए, और फिर दूसरा अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है, तो चीज़ों को शेयर जरूर कीजिए, जहां पर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, यही एक गुरु दक्षिणा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।